हमें कोई वीक नसें नजर आती है, हम जरूर आवाज बुलंद करते रहेंगे। जहां तक आपने देखा कि मेरी जो प्रेस रिलीज है जो आपके सामने है, उसमें हमने हुकूमत के नाम अपील लिखी है। अच्छा सुने, मेरी 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 आज सुन लें। अब जहां तक इकदाम की बात है, मैंने इनका बताया, आसफा सलीम साहबा का मैंने अपना बताया। हम दोनों लोग जिस जिस सरकारी इदारों से हम वाबस्ता हैं, वहां पर माजी की उसकी उसका तकाबली जायजा ले रहे हैं और आप मौजूदा हालात का ले रहे हैं। हालांकि हमें चार्ज हुए चंद दिन चंद हफ्ते हुए हैं, आपको वादे तब्दीली नजर आएगी। लेकिन मैं ये जरूर चाहूँगा आपकी रियाजी साहब, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, हम हुकूमत वक्त से ज़रूर जाकर जहाँ जहाँ हम जाकर बैठेंगे, इक्तदार के लोगों के साथ जाकर बैठेंगे। हमारी ये पुरजोर हमारी ये कोशिश होगी कि हम ख़वातीन पर तशद्दुद के वाक़यात में जहाँ जहाँ कमजोरियाँ हैं, जो पुलिस के मामलात हैं, जो लोगों की FIR दर्ज नहीं की जाती, जहाँ उनको तंग किया जाता है, वो भी मैंने इसमें मैंशन किया है। हम उन पर इंशाल्लाह ज़रूर अमल दरामद भी करवाएँगे और न सिर्फ अमल दरामद होगा, आपको माजी की नस्बत आप बेहतर तब्दीलियाँ नज़र आएँगी। मैं एक बार फिर आपकी दुरुस्ती करना चाहता हूँ, मेहरबानी फरमा कर ये आज जरा थोड़ा सा अपने जहन में कंसीव करें। आप हुकूमत हैं, आप इतने लोग बैठे हैं, आप इकतदार हैं, आप हुकूमत हैं, आप चला रहे हैं, आप अपने आप से अपील कर रहे हैं, आप अपील नहीं कर रहे, आप इकदाम कर रहे हैं। मैं जैसे भी अर्ज कर रहा हूँ ना, मेरे मेरी बात सुने ना मेरे न्याजी साहब, मेरा आपसे उलझाव मुनासिब नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ, मैं जहाँ हुकूमत का नुमाइंदा हूँ, मैं आपके शहरियों के साथ आपका शहरी भी हूँ। मैंने शहरियों की बात भी करी, अगर मैं आंखें बंद कर लूँ, मेरे साथी आंखें बंद करें, नहीं जी हम हुकूमत के बंदे हैं, हर चीज़ नीट एंड क्लीन है, हम आवाज़ बुलंद करेंगे। और मैं तो चाह रहा हूँ जो मैंने इकतदार के लोगों के साथ जब हमने जाके बात करनी है, तो आप हमारी आवाज़ हो, ये इस आपकी आवाज़ की मार्फत तो मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, हम कामों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। और इंशाल्लाह मैं वही बता रहा हूँ, चले अगर आपको मेरा ये लफ्ज़ अपील मुनासिब नहीं लगता, तो हम ये जरूर कहें हम इन इकदाम की तरफ आगे कदम बढ़ा रहे हैं, हम इस आगे बढ़ेंगे, लेकिन मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए। न्याजी साहब आपकी, आप सब लोगों की, अंसारी साहब, महबूब साहब, आप सबकी मुझे सपोर्ट चाहिए कि मैं चाह रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि जो आवाज़ मैं बुलंद करूँ हर हालत में वो पूरी हो। जहाँ मुझे आप महसूस करते हैं, मेरी टीम, हमारी टीम जो है, हमारी सिविल सोसाइटी, जहाँ जहाँ हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है, आप हमें ज़रूर हेल्प आउट करें, आप हमें निशानदेही करें, बल्कि आप हमें गाइड करें हमने किस तरह अपनी जदोजहद को कामयाबी के साथ आगे बढ़ाना है, और हुक्मरानों से जिस पार्टी से हमारा ताल्लुक है उनसे कैसे कैसे मंजूरियाँ लेकर आनी है। तो ये आप हमें हमारे ऊपर शफकत करेंगे, क्योंकि मैं आपका साथी हूँ, मैं आपका भाई हूँ, हम चाहते हैं कि आपकी मार्फत ही मैं अपनी कंपेन को कामयाब करें। अच्छा अवेयरनेस के लिए है, अच्छा जो मैं आज कर रहा हूँ, ये जो मैंने प्रेस रिलीज अगर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे ना, इसमें आपको अवेयरनेस का मैटर भी मिलेगा। अभी हमारा एक बैनर बाहर भी लगा हुआ है जिसके ऊपर हम आपसे सिग्नेचर लेना चाहेंगे, आप हमारी ताकत बने, आप हमें सपोर्ट करें। अवेयरनेस के लिए हम खवातीन के साथ सेशन कर रहे हैं, हम दारुल अमान में, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में, हम खवातीन के तालीम इदारों में, चूँकि हाँ हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल 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 अच्छा उसमें यही है, न्याजी साहब आपसे मुखातिब हूँ, न्याजी साहब आपसे मुखातिब हूँ, आप मेरी आपसे गुजारिश यही है, आप हमें ज़रूर गाइड करें। आप हमारे अभी आपने जो बात की बड़ी अच्छी बात की जी आपने हमें ये बताना है कि हमने खवातीन और बच्चों के तशद्दुद के खिलाफ हमने ये इकदाम ले लिए हैं, और ऐसे ऐसे हम क्रैकडाउन कर रहे हैं, ये स्टेप्स ले रहे हैं, आप हमारे साथ बैठ कर अपील ना करें, अपील करना तो खुद का काम है। ठीक है, अच्छी जी गुजारिश है, मैं जब आपके पास अगली मर्तबा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आऊँगा, हाँ मैं जब अगली मर्तबा आऊँगा, आज तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपसे थोड़ा डिफरेंट है ना, मेरा ये कि आज मैं आपके सामने आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ, अब मैं नेक्स्ट आऊँगा तो मैं इसके कोई प्रैक्टिकली कोई आंसर या प्रैक्टिकली कोई काम लेकर आपके पास आऊँगा, आपको मैं वो लेकर आऊँगा कि मैंने 3 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और आज मैं फ़र्ज किया 10 दिन बाद आया बैठा हूँ या 1 महीने बाद आया बैठा हूँ, हमने हुकूमत से ये चीज़ें अप्रूव करवा ली हैं या इस तरह इकदाम बेहतर किए जा रहे हैं। ये रियाजत आपकी अच्छी बात है, और दूसरी बात अर्ज़ करना चाहूँगा, हमारा एक बैनर बार लगा हुआ है जिसके ऊपर हमने ये गुजारिशात लिखी, अगर आप मेहरबानी फरमाएंगे अपने इदारे के नाम के साथ अपने वहाँ पर आप सिग्नेचर कर देंगे तो मेरे लिए बड़ा हौसला अफजा होगा। वारे दिगल जी, मैं आपकी खिदमत तो कुछ नहीं कर सकता, और ये यही आपकी मोहब्बतें और आपका जो है वो एक मेरे साथ जो एक ताल्लुक है, उसकी बुनियाद में मैं चाहूँगा कल हमारी कवरेज इस तरह हो के हमें उसका
इन अपीलों को या इन इकदाम को उजागर करने का मौका मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच।